आज मैं नहलाने वाली हूँ नेरी को, जो कि एक स्ट्रीट डॉग है। अगर आपको भी जानना है कि नेरी की ऐसी हालत क्यों है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नहलाने के लिए मैंने यूज किया है ये 3 प्रोडक्ट्स। पहला वीरबैक का ये एंटीसेप्टिक एंटीफंगल क्लींजिंग शैम्पू, दूसरा डॉग टिक्स के लिए ये टिकल शैम्पू, और तीसरा है ये सैवलॉन जो मैं डॉग्स को नहलाने के टाइम पानी में मिला लेती हूँ। तो आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी माँ हर रोज डॉग्स को रोड पे फीड करने जाते थे, और वहीं पे रहते थे नेरी और नेरी का एक बच्चा। तो एक दिन क्या हुआ, नेरी का जो बच्चा था वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, और उसी के बाद से जब भी हम रोड पे फीड करने जाते थे, नेरी कभी कभी हमारे घर आ जाती थी। ऐसा करते करते धीरे धीरे 1 साल बाद नेरी ने हमारे घर पे रहना शुरू कर दिया, और हमने भी उसे रहने दिया। नेरी के रहने के कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला कि उसे स्किन डिजीज है और नर्व की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से उसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। कभी कभी वो चलते चलते गिर जाती थी। और ऐसा नहीं है कि हमने उसे डॉक्टर नहीं दिखाया, हमने उसे डॉक्टर भी दिखाया, मेडिसिन भी दिए, लेकिन क्योंकि वो इतनी ओल्ड हो चुकी थी और अपनी पूरी जिंदगी रोड पे बिताने की वजह से वो इतनी कमजोर थी कि कोई भी मेडिसिन का प्रेशर उसकी बॉडी नहीं ले पा रही थी, और कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दूंगी, और कोशिश करूंगी उसे विदाउट मेडिसिन ठीक रख पाऊँ। और इसीलिए कभी कभी मैं उसको हल्दी का लेप लगाती हूँ, और इसके स्किन के लिए ऐसे एंटीफंगल एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और पता नहीं दोस्तों, इसने रोड पे कैसे कैसे दिन देखे हुए होंगे, शायद कभी कभी तो इसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। एंड ऑल्सो इसने अपने बच्चे को भी आंखों के सामने खोया है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि इन आखिरी दिनों में मैं उसे जितना हो सके एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, जहाँ उसे खाने के लिए और रहने के लिए कभी तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी नेरी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी नेरी को देख सकें।